क्यों कह रहे हो? रुको! बेटे बेटे ओ बेटे माज कर दी, माज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह से वो तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। तो आज तुम लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पे मैं लेके आया हूँ बेंटन अल्टीमेट एलियन का सीजन 2 एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। ये वीडियो दो पार्ट में कन्वर्टेड होगी, एक पार्ट आज आ जाएगा, एक कल आ जाएगा, कल नया परसों आ जाएगा, लेकिन जल्दी आ जाएगा। और वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत कर देना वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में जाके मैं तुम लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में लेकर आया करूँगा, और सिर्फ बेंटन के डाई हार्ड फैंस ना उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। और आंसर जैसे ही तुम्हें पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कि कमेंट कर देना इस वीडियो पे, लाइक भी कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वी आर टू क्लोज टू 1K, जल्दी हो जाने चाहिए भाई। बाकी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड में स्टार्ट होता है जिसका नाम है द ट्रांसमोग्रिफिकेशन ऑफ यूनिस। तो में दिखाया जाता है बेन और केविन रेस लगा रहे थे, लेकिन एकदम से उनकी रेस के बीच में कुछ आकर गिरता है, कुछ स्पेसशिप जैसा। अब वो लोग जब उसे चेक करते हैं तो उसमें से एक लड़की निकलती है। अब यहाँ पे उस लड़की के पास सारे के सारे एनिमल्स आके बैठ जाते हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है हम लोगों को, जहाँ पे वो लोग काफी सारी बातें करते हैं, लेकिन बेन कहता है कि मैं यूनिस को जरा घुमा के लाता हूँ। लेकिन बेन कहती है कि जूली अभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन बेन कहता है उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया खुद से, और वो कहती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते। अब बेन जंगल में जाता है, लेकिन वहाँ पे एक भालू आ जाता है, तो आर्मोड्रिलो में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन यूनिस उस भालू को अपने कंट्रोल में कर लेती है। अब लोग वहां से जाने लगते हैं क्योंकि वो रास्ता भटक चुके थे, लेकिन यूनिस यहाँ पे भालू को शायद से कुछ करती है, कुछ एब्जॉर्ब टाइप कुछ करती है। अब यहाँ पे सैंडर आ जाता है, बेन यहाँ पे स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होता है, फिर अल्टीमेट में, और फिर वो लोग लड़ते हैं। अब सैंडर कहते हैं मैं यूनिस को लेने आया, और हमें यहाँ पे पता चलता है यूनिस की एबिलिटी क्या है, वो किसी भी एनिमल की पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है, और वो रैबिट की पावर को एब्जॉर्ब करके वहां से कूदती भाग जाती है। सैंडर यहाँ पे बेन को वार्निंग देकर चला जाता है कि मेरे पीछे मत आना। अब वो यहाँ पे केविन और ग्वेन के पास पहुंचता है और कहता है कि यहाँ पे यूनिस आई क्या? तो वो लोग कहते हैं नहीं। ग्वेन कहती है कि उसने मेरे कपड़े पहने थे, दैट्स व्हाई मैं उसे कहीं पे भी मतलब महसूस कर सकती हूँ। वो उसे महसूस करती है, वो लोग उसके पास जाते हैं, और केविन कहता है कि सैंडर अगर उसके पीछे पड़ा है तो वो सिर्फ कीमती और रेयर चीजों के ही पीछे पड़ता है। अब यहाँ पे सैंडर भी आ जाता है। अब यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है। सैंडर यहाँ पे सबको नॉकआउट करके यूनिस को बताता है कि तुम एक डिवाइस हो, और वो उसको एक डिवाइस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ओमनीट्रिक्स के कोर में, और वहां से चला जाता है। लेकिन बेन अल्टीमेट कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर उसे पकड़ लेता है। अब ये लोग लड़ते हैं। यहाँ पे सैंडर बेन पे भारी पड़ रहा था, लेकिन ग्वेन उसे बचा लेती है, और केविन उसको ओमनीट्रिक्स की तरह यूज करके वापस ही यूनिस को लेता है। यूनिस स्नेक की पावर एब्जॉर्ब करती है, और सैंडर से पूछती है कि मैं कौन हूं। वो बताता है कि तुम एक डिवाइस हो, और वहां पे उसी टाइम एजमंथ भी आ जाते हैं। अब एजमंथ आके बेन को कहते हैं कि यूनिट्रिक्स है, तुमने इसे ये नाम क्यों दे दिया, और दूसरी बात है ये मेरे ओमनीट्रिक्स की शुरुआती प्रोजेक्ट्स में से एक है, यानी कि जैसे हमारा प्रोटोटाइप वाला वॉच था, वैसे ही ये वाला भी एजमंथ ने वॉच बनाया था। वॉच नहीं, मतलब इसको पहनने के लिए नहीं, इसे सिर्फ डीएनए स्टोर करने के लिए बनाया था। लेकिन जब स्टार्टिंग में ग्वेन ने स्पेसशिप के ऊपर हाथ रखा तो उसका डीएनए यूनिस ने अब्सॉर्ब कर लिया, और वो अपने आप को एक लड़की की तरह मानने लगी, यानी कि एक ह्यूमन की तरह मानने लगी। अब यहाँ पे एजमंथ कहते हैं मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और स्टोरेज में फेंक दूंगा। बेन कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम किसी भी चीज को ऐसे स्टोरेज में नहीं फेंक सकते, ये एक इंसान है, और मेरे ट्रांसफॉर्मेशन असली होते हैं, ये नकली नहीं है, ये भी उनकी तरह। यहाँ पे एजमंथ कहते हैं ठीक है मेरे साथ आ जाओ यूनिस, मैं तुम्हें प्राइमस में अपने साथ जॉब पर रख लेता हूँ। वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब यूनिस बहन को जाते हुए फूल लेके जाती है, और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है जिसका नाम है आई ऑफ द बिहोल्डर। हम लोगों को दिखाया जाता है बाजिल जो कि एक प्लेनेट पे था, और एक पुतले में से कुछ आंख टाइप का कुछ निकाल लेता है। अब वो दो दो निकाल लेता है, लेकिन वहां पे कुछ लोग आके उसे पकड़ लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, जूली दिखाई जाती है जो कि शीप के साथ प्रैक्टिस कर रही थी अपनी टेनिस की, लेकिन शीप अजीब सी हरकतें करने लगता है, और वो स्पेसशिप बन के अकेला ही चला जाता है बाजिल की मदद करने, क्योंकि उसको उसका मैसेज मिला था। सीन शिफ्ट होता है, बेन दिखाया जाता है जो कि फॉरएवर नाइट्स के साथ लड़ रहा था। यहाँ जूली आती है, बेन से मदद मांगती है, बट बेन मना कर देता है, लेकिन ग्वेन कहती है कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है, बेन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि मैं जूली से बात करना चाहता हूँ, तो जिमी कहता है हाँ फिर तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, जाओ। अब बेन चेक करता है कि वो लोग कहाँ पे हैं, और जेट में ट्रांसफॉर्म होता है, और फिर वो स्पेस में जाके लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। और अब किसी ने पूछा था कि जेट रे सच में लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, तो हाँ यार ये देखो कर सकता है वो। अब दूसरी तरफ हमें बाजिल दिखाया जाता है जो कि कुछ एलियंस के हत्थे चढ़ा हुआ था, और वो उसे टॉर्चर कर रहे थे और पूछ रहे थे कि तीसरी आंख कहाँ पे है। शिप वहां पे आता है, लेकिन वो लोग उस पर अटैक करते हैं, शिप बेहोश हो जाता है। ग्वेन अपने जादू से उसे फिर से वापस सही कर देती है। बेन भी यहाँ पर पहुंच जाता है।
अब वो लोग देखते हैं कि वो लोग उसको टॉर्चर कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से। यहाँ पे उन लोगों को पता चल जाता है कि बेन गो एंड केविन वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो उन सबको नॉकआउट कर देते हैं। यहाँ पे शिव जूली का एक सूट बन जाता है और जूली वहाँ पे सबसे लड़ रही होती है। इतने में बेन ब्रेनस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और बाजिल को बचा लेता है। अब यहाँ पे हम लोगों को ब्रेनस्टॉर्म का एक फैक्ट पता चलता है। यहाँ पे वो एलियन आके ब्रेनस्टॉर्म को कहता है कि तुम बेवकूफ, लेकिन ब्रेनस्टॉर्म कहता है कि मेरे दिमाग के सिर्फ एक हिस्से से ना तुम्हारी पूरी स्पीशीज का दिमाग चल सकता है। यानी कि इतना जीनियस है ब्रेनस्टॉर्म। यहाँ पे बेन बेजिल को बचा लेता है लेकिन वो पुतले स्टैचू जिंदा हो जाते हैं। यहाँ पे बेन अल्टीमेट स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म होता है और उनसे लड़ने लगता है। अब यहाँ पे वो लोग छुप रहे होते हैं पिलर के पास क्योंकि एक के पास आंख नहीं थी तो उसे दिख नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि बेजिल का पेट खराब था तो वो बोलने लगता है। अब वो वहां पे आता है लेकिन जूली उसको पकड़ती है और उसके पेट में से वो तीसरी आंख निकाल लेती है और वो आंख लगा के वो पुतला वापस उसी जगह पे जाके पुतले बन जाते हैं। अब जूली शिप को जो है बाजिल को वापस कर देती है और बाजिल कहता है कि मैं इसको बेच दूंगा जो एलियन स्पीशीज मुझे ज्यादा पैसे देगी। यहाँ पे बेन कहता है सिलेक्ट कर लो शिप, तुम्हें जूली के साथ जाना है या बाजिल के साथ, तो वो शिप जूली के साथ आता है। जूली भी बेन को एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है जिसका नाम है विक्टर द स्पॉइलर। हम लोगों को दिखाया जाता है एक किंगडम का प्रिंस जो के कह रहा था कि मुझे उस राक्षस को जिंदा करना होगा और अपने वश में करना होगा, और अब वो उस राक्षस को दिखाता है जो के था डॉक्टर विक्टर। अब उस किंगडम का किंग आता है जो कि ऑब्वियस सी बात है कि प्रिंस का बाप था, और वो उसे मना करता है ये काम करने से लेकिन वो बाज नहीं आता। अब यहाँ पे बेन और गुएन केविन को दिखाया जाता है जो कि इसी जगह पे आ रहे थे किंग के बुलाने पे क्योंकि वो डॉक्टर विक्टर को खत्म करवाना चाहता था, इसीलिए बेन यहाँ पे आ रहा था वरना वो यहाँ पे कभी भी ना आता। यहाँ पे कुछ मिसाइल्स आ रही होती हैं इनकी तरफ तो बेन एको एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, हालांकि उसे जेटर में ट्रांसफॉर्म होना था, फिर भी वो अपने सोनिक साउंड से 3 मिसाइल्स को फोड़ देता है, 3 रह जाती हैं और वो अल्टीमेट एको एको में ट्रांसफॉर्म होता है और तुम्हें तो पता है वो उड़ सकता है, और वो अपने सोनिक साउंड से उनको भी खत्म कर देता है। नीचे उतरने पर उनको पकड़ लिया जाता है प्रिंस के द्वारा और वो कहता है कि अब ये जहाज मेरी प्रॉपर्टी है। अब केविन उनसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं और वहाँ पे किंग आ जाता है जो कि उन लोगों को वापस भेज देता है। अब वो लोग चाहते हैं डॉक्टर विक्टर को खत्म करने, वो लोग सीधा जा रहे होते हैं लेकिन गुएन कहती है रुको, और वो अपने बिग ब्रेन का यूज करते हुए थोड़ा सा स्मोक आगे की तरफ को फेंकती है जो कि दिखाता है कि वहाँ पे कुछ ट्रैप्स लगे हुए थे। बेन उनमें से निकलता है जिल बन के और अंदर जाके दरवाजा खोल देता है। अब अंदर जाने पे वो लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर विक्टर को मार देंगे लेकिन वहाँ पे कुछ सिपाही उन पे हमला कर देते हैं। अब केविन एक मशीन से टकरा जाता है लड़ते हुए, वो मशीन सीधा डॉक्टर विक्टर लेजर बीम मारती है और वो जिंदा हो जाता है और वो बाहर निकल के आ जाता है, लेकिन वो जिंदा नहीं था, वो कंट्रोल किया जा रहा था प्रिंस के द्वारा। और यहाँ पे वो केविन और गुएन को नॉक कर देता है। बेन अल्टीमेट बिग जिल में ट्रांसफॉर्म होता है और सब लोगों को जमा देता है। डॉक्टर विक्टर की बारी आती है बट वो उसे शॉक देके गिरवा देता है वहां पे और वो बेहोश हो जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। प्रिंस ने किंग को भी पकड़ लिया लेकिन गुएन किंग को आजाद करती है और उसके पास इतनी पावर नहीं बची थी कि वो खुद को भी आजाद कर सके। किंग यहाँ पे उठता है और बेन को अपने साथ ले जाता है, बेन को एम्फीबियन में ट्रांसफॉर्म करवाता है और डॉक्टर विक्टर के सर पे भी एक एब्जॉर्ब करने वाली मशीन लगा देता है और वो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन बीच में प्रिंस आके उन तारों को निकाल देता है और वहां पे किंग मर जाता है। अब वो लोग समझते कि किंग मर गया लेकिन वो तो डॉक्टर विक्टर के अंदर आ चुका था और वो बहुत पावरफुल हो चुका था। वो जाता है रिबल्स की तरफ बदला लेने क्योंकि उन्होंने एक साल पहले इनकी बीवी को मार दिया था और उसकी वजह से इनका बेटा इनका दुश्मन बना हुआ था। अब वो जाके उन्हें बहुत मारता है लेकिन यहाँ पे बेन आ जाता है और इनके बीच में फाइट होती है। अब वो एक टैंक उठाता है बेन को मारने के लिए लेकिन बेन उसे मेल्ट कर देता है और गुएन अपने मैजिक पावर से उसे वहां पे जमा देती है। अब यहाँ पे वो सिपाही आ जाते हैं, प्रिंस उन्हें कंट्रोल कर रहा था लेकिन बेन उससे वो रिमोट छीन लेता है और सबको आजाद कर देता है, उस रिमोट को भी तोड़ देता है। विक्टर कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम लोगों से बदला जरूर लेकर आऊंगा, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है जिसका नाम है द बिग स्टोरी और हम लोगों को दिखाया जाता है जिमी जो के मुंबई कर निखिल बना हुआ था इनके व्लॉगर, और यहाँ पे वो कुछ शूट कर रहा था। वो एक फुटेज कैप्चर करता है जिसमें कोई एस्ट्रॉइड जैसी चीज आके किसी पहाड़ में टकराई और वो एक केव में चली जाती है। अंदर जाने पे जिमी को पता चलता है कि ये तो एक प्लांट है लेकिन वो प्लांट जिंदा था और वो जिमी को पकड़ लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है 7-7 और बेन रैथ में ट्रांसफॉर्म था और वो उससे लड़ रहा होता है और वो उसे हरा देता है। यहाँ पर जिमी आता है और उन्हें बताता है कि मैंने केव में कुछ देखा और मैंने उस प्लांट को हरा दिया और अब तुम लोग मेरे साथ चलो। केविन और गुएन इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे तो वो यहाँ से चले जाते हैं लेकिन बेन जाता है जिमी के साथ और वो अंदर जाता है। अंदर जाने पर वो कहता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और सच में वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब जिमी थोड़ी सी उस चीज़ पर रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि काफ़ी सारा पानी गायब हुआ है 2 दिन में और इसका मतलब है कि प्लांट ने पानी पिया और तब वो जाके ग्रो हो गया। अब जिमी वापस से जाता है उस केव में और उससे वहाँ पे मिलता है बेन जो कि देखने से लग रहा था कि इनके साथ शामिल है। जिमी एक फोटो क्लिक कर लेता है और वो आके दिखाता है गुएन और केविन को लेकिन वो फोटो धुंधली थी तो वो लोग उस पर यकीन नहीं करते। वो जाता है विल हैरिंगसन के पास और वो उस पर यकीन करके उल्टी फुल्टी खबर फैला देता है बेन के बारे में। वो घर जाते वक्त पीनट्स खरीद रहा था क्योंकि उसे पीनट्स खाना बहुत पसंद थी और वहां पे बेन आ जाता है। बेन ह्यूमंगस और बना हुआ पागलों की तरह जिमी को ढूंढ रहा होता है लेकिन जिमी वहां से कुछ करके अपनी जान बचा के निकलता है। वो गुएन को कॉल करता है लेकिन बेन कैनन बोर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर उसके ऊपर कूद पड़ता है। गुएन वहां पे आती है और वो लोग उसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। यहां पे पता चलता है कि
ग्वेन और केविन भी उनके साथ मिले हुए थे। अब वहाँ जाने पे पता चलता है कि ये तो रियल है ही नहीं, ये तो कॉपीज हैं और रियल वाले यहाँ पे पकड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जिमी को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन जिमी के बैकपैक में से कुछ पीनट्स गिरती हैं जो कि पौधों पे काफी असर कर रही थी। अब जिमी इस पीनट से सबको छुड़वाता है यहाँ पे और वो लोग आ जाते हैं और फिर यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है। वो फेक कॉपी क्रोमास्टोन में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन जिमी उस पर भी पीनट्स फेंकता है तो वो वहाँ पे गिर जाता है। बेन यहाँ पे उससे अल्टीमेट्रिक्स छीन लेता है और सब अपनी अपनी कॉपीज को मार देते हैं, लेकिन वो प्लांट जिंदा हो जाता है और वो लोग केव से बाहर भागते हैं और वो प्लांट भी बाहर आ जाता है। अब वो प्लांट सब पे भारी पड़ रहा था, यहाँ पे प्लांट बेन को खाने वाला था, लेकिन जिमी फिर से आके बेन को बचा लेता है उसमें पीनट्स फेंक के। बेन अल्टीमेट स्वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होता है, सबको यहाँ पे जाने को कहता है और अपना एक बहुत बड़ा वाला बॉम्ब अंदर फेंक देता है और वहां से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो पौधा खत्म हो जाता है और जिमी को वो लोग सीरियस लेने लग जाते हैं। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 स्टार्ट होता है जिसका नाम है गर्ल ट्रबल, और हम लोगों को दिखाया जाता है कि केविन बहुत ज़्यादा जल्दी में आता है ग्वेन के साथ और ग्वेन बहुत जल्दी में भागती है ऊपर की तरफ अपने कमरे की तरफ, और वो लोग बताते हैं 12 डायमेंशनल रोबोट्स फिर से आ चुके हैं और ग्वेन अपना लैपटॉप लेने जा रही थी ताकि वो लोग उनका डाटा स्कैन करके पता लगा सके वो क्या करने वाले हैं। अब वो अपने कमरे में जाती है, वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है ऑलरेडी और वो थी सनी और वो ग्वेन की कज़िन थी। अब वो बहुत ही ज़्यादा कूल बनने की कोशिश में ब्ला 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 करती रहती है और ग्वेन की मोम कहती है कि तुम जहाँ भी जाओगी इसे अपने साथ लेके जाओगी। अब ग्वेन उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसे कहती है गाड़ी में ही बैठे रहना। वो लोग जाते हैं और देखते हैं बहुत सारे 12 डायमेंशनल रोबोट्स। अब यहाँ पे बेन फोरआर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता है और लड़ाई झगड़ा स्टार्ट। अब जब सनी को भी पता चलता है वो लोग लड़ रहे हैं तो वो उनके साथ जाती है, और अब यहाँ पे पता चलता है वो भी एक एनाडाइट थी और वो ग्वेन से बहुत ज्यादा पावरफुल थी, और अब वो कहती है कि मुझे और रोबोट्स को मारना है, बहुत मजा आया। अब वो लोग घर जाते हैं, लेकिन कोई दरवाजे पर आता है और जब केविन देखने जाता है तो वो था सनी का बॉयफ्रेंड। अब इसी से बचने के लिए उसके मम्मी पापा ने इसे यहाँ पे भेजा था, लेकिन वो यहाँ पे भी आ गया। अब वो सनी को लेके अपने साथ चला जाता है, ग्वेन उसके पीछे जाती है, लेकिन बेन कहता है कि वो डायमेंशनल रोबोट्स फिर से आ चुके हैं तो तुम आ जाओ भी रहने दो, और सनी कहती है अपने बॉयफ्रेंड को कि इनका पीछा करो। वो लोग जाते हैं एक जगह पे जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे 12 डायमेंशनल रोबोट्स कुछ बॉम्ब को ट्रिगर कर रहे होते हैं जो कि बहुत खतरनाक था। अब यहाँ पे लॉर्ड स्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सारे रोबोट्स को वो मार रहा होता है, लेकिन वो लोग आना खत्म ही नहीं होते। यहाँ सनी आती है, सब रोबोट्स को खत्म कर देती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ग्वेन केविन को कहती है कि इस बीम को रोको वरना ये बॉम्ब जल्दी फट जाएगा, तो यहाँ पे केविन उस बीम को रोक रहा होता है बट वो रुक नहीं रही होती, तो वो उस मशीन को तोड़ देता है जिससे वो बीम रुक जाती है। अब बेन यहाँ पे कहता है कि मैं बोर हो गया इनसे, और वो पूरा पोर्टल बंद कर देता है जिससे वो रोबोट्स निकल रहे थे। यहाँ पे सनी अपने एनाडाइट वाली फॉर्म में आ जाती है और वो ग्वेन पे अटैक करती है। उसका बॉयफ्रेंड लड़ने आता है तो बेन ह्यूमंगस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन गेस व्हाट, वो बहुत पावरफुल था ह्यूमंगस फॉर्म से। यहाँ पे सनी जानबूझ के वो बॉम्ब उठा लेती है, लेकिन ग्वेन से वो बॉम्ब छीन लेती है। अब केविन उसको डिफ्यूज करने के लिए खोलता है, लेकिन उसके अंदर तो सिर्फ एक ही टाइप की वायर थी। अब यहाँ बेन अल्टीमेट ह्यूमंगस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और लड़ाई स्टार्ट करता है। वहां पे केविन गलती से एक रैंडम वायर उखाड़ देता है और वो समझते हैं फटने वाला है, बट वो रुक जाता है। दूसरी तरफ सनी का बॉयफ्रेंड जो है बेन को मारने के लिए एक खंबे को जो है पुल करता है, लेकिन उसमें से उसे करंट पड़ता है और वो वहां पे बेहोश हो जाता है। यहाँ ग्रैंडमा विडोन आती है और उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 स्टार्ट होता है, बेन को सोता हुआ दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि किसी की परछाई होती है सामने पर्दे पर। बेन जब वो पर्दा हटाकर देखता है तो वहां पे कोई नहीं होता, लेकिन वहां पर उसे टाइम विक्टर आ जाता है और बेन ह्यूमंगस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन वो बहुत छोटा था। और यहाँ पे बेन किसी चीज के अंदर गिर जाता है और समझ आता है कि ये नाइटमेयर था और वो उठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटाता है विक्टर वहां पे सही में होता है। वो कैनन बोल्ट बनके उस पे छपट पड़ता है, लेकिन विक्टर वहां से भाग जाता है गटर के अंदर से। वो एक नैनो चिप को ले लेता है और जाके ग्वेन और केविन को ये बात बताता है। वो यकीन नहीं करते तो वो ये चिप दिखाता है और फिर वो लोग जाते हैं उसके घर पे। वहां वो टेरेस में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन वहां का उसका असिस्टेंट बताता है कि वो तो कब का मर गया। वो लोग जाते हैं प्लमर्स के जो है अकेडमी में, वहाँ पे जाके वो लोग लेते हैं एलिना का एड्रेस क्योंकि उसे चिप्स के बारे में पता था। वो वहाँ पे जाते हैं एलिना से मिलने और वो बेन को गले लगा लेती है। अंदर जाने पे वो कहती है कि नहीं, ये चिप मेरी नहीं है और मैं तो इन पे रिसर्च कर रही हूँ। अब वो लोग खाना खाने जाते हैं, ग्वेन और केविन खाली, जैसे वहाँ पे विक्टर आ जाता है, लेकिन वो फिर से वहाँ से चला जाता है। बेन के घर जूली आती है, लेकिन बेन उसे कहता है कि केविन के पास नैनो चिप है तो मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे केविन और ग्वेन को उसने पकड़ रखा होता है, लेकिन बेन वहाँ पे जैसे उससे लड़ने लगता है वो फिर से गटर में से निकल जाता है। अब ये लोग जाते हैं ग्रेवयार्ड में और उसकी ग्रेव चेक करने पे पता चलता है कि वो तो मर चुका है और वो इसके नीचे ही है। यहाँ पे एलिना भी आ जाती है जो कि कहती है मेरे साथ चलो। वो बेन के साथ चल जाते हैं और ग्वेन और केविन अलग जाते हैं। वो लोग जा रहे होते हैं और जाते हैं उसी बुड्ढे के पास वापस। वो उसे बेहोश कर देते हैं और उसकी विग उतार लेते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जूली बेन से मिलने आती है और उसको नैनो चिप्स अपने साथ ले जाती है।
दूसरी तरफ एलिना एक्सपेरिमेंट कर रही है, लेकिन वहाँ पे बेन आ जाता है और वो आके कहता है कि नैनो चिप्स तुम्हारी थी। तो वो कहती है हाँ वो नैनो चिप्स मेरी थी, उनमें से कुछ मतलब बाहर रह गई थी जब मैं इन्हें पकड़ रही थी, तो मैंने कहा वो नुकसानदेह नहीं होंगी, दैट्स वाई मैंने उन्हें रोका नहीं, लेकिन मैं अब उन्हें डीएक्टिवेट कर सकती हूँ तुम्हारे साथ मिलकर। वहाँ वो बुढ़ा लड़का एलिना को पागल लड़की कहता है, तो केविन पूछता है कि तुम उसे पागल लड़की क्यों कह रहे हो, तो वो कहता है कि वो हम कह के बोलती है जबकि वो अकेली है, पता नहीं रॉयल खानदान से है क्या। अब वहाँ दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे दिखाया जाता है जूली बंधी हुई पड़ी थी। जब बेन जूली को खोलने जाता है यानी कि उस साइड को देखने जाता है जहाँ पे थोड़ा सा हलचल हुई थी, तो वो अपने सूट में आ जाती है, मतलब अपने फॉर्म में, और वो बेन को कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम्हें चाहिए, और वो बेन को कार दे देती है उसकी खुद से बना के, लेकिन बेन उसे एक्सेप्ट नहीं करता, आगे बढ़ता है, तो वहाँ पे डॉक्टर विक्टर को वो ले आती है, मतलब स्पॉन कर देती है, यू नो माइनक्राफ्ट प्लेयर यार। बेन आर्मोरिलो में ट्रांसफॉर्म होता है, वहाँ पे तीन तीन विक्टर आ जाते हैं, ग्वेन और केविन भी यहाँ पे आ जाते हैं, फिर फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन एलिना बेन का सांस घोट देती है। अब जूली उसे मोटिवेशनल स्पीकर बन के स्पीच देती है, जिसकी वजह से एलिना अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है, और यहाँ पे सारी चिप्स खत्म हो जाती है, यहाँ से सब चल जाते हैं, लेकिन लास्ट में दिखाया जाता है कि वो चिप्स इकट्ठी होगी किसी चीज की शेप ले लेती है, और यहीं पे वीडियो खत्म और एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अच्छा यार, तो मैंने कर दिया भाई वीडियो कंप्लीट, अब तुम लोगों ने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है, सब्सक्राइब। फिलहाल अभी उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो मैं आपसे पूछने वाला था। तो मुझे ये बताओ कि अपना पहलवान केविन जो है वो किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है, नहीं चलो सबसे ज्यादा भी नहीं, वो किस चीज से डरता है ग्वेन को छोड़ के, ठीक है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या है। बाकी अगर यहाँ तक वीडियो देखी तो यार थैंक यू, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।